उदयपुर में सोमवार का दिन ऐतिहासिक दिन रहा है, जब 493 साल बाद स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ ने चित्तौड़ दुर्ग पर राज तिलक होकर के गद्दी संभाली है। उसके बाद वह उदयपुर आकर के एकलिंग जी दर्शन और सिटी पैलेस में धूनी दर्शन करना चाहते थे। सुबह का जो कार्यक्रम था राज तिलक का, वह तो बेहतरीन तरीके से हो गया था, लेकिन जब वह अगला पड़ाव उनका उदयपुर सिटी पैलेस था और जब वह यहाँ आए तो उन्हें सिटी पैलेस में जाने से रोका गया। कहा गया कि वह महेंद्र सिंह जो मेवाड़ थे वह इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं थे जो ट्रस्ट बनाई गई है, इस वजह से उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। इसके चलते देर रात्रि सोमवार देर रात्रि करीब 2 बजे तक महाराजा विश्वराज सिंह जी वह बाहर अपने समर्थकों के साथ बैठे रहे और आज जब मंगलवार है तो वो उन्होंने ये कहा है जिला प्रशासन की, जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से, अभी तक जब सिटी पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया है, सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, फिर भी अभी तक उन्हें किसी प्रकार का उनके वहाँ पहुँचने का जो क्रम है समर्थकों के साथ, वो अभी तक जिला कलेक्टर की ओर से अभी तक किसी तरह से कोई डिसाइड नहीं हो पाया है। जब हमारी भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि आप जिला कलेक्टर से पूछिए कि मैं धूनी दर्शन करने कब जाऊंगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि कल बुधवार का दिन है तो वो बुधवार के दिन एकलिंग जी दर्शन करने जरूर जाएंगे, लेकिन उन्होंने जिला प्रशासन से यही भी कहा कि जिस तरह से सिटी पैलेस के बाहर देर रात्रि को पथराव हुआ था, जिस तरह से उन्हें रोका गया था, इस तरह की जो वारदात है, इस तरह की घटना है, इस तरह का जो मामला है वो वहाँ देखने को न मिले। तो यह जो पूरा मामला है और मान सम्मान का भी लगातार होता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, वो यहाँ एक तरह से नाथद्वारा के जो MLA हैं विश्वराज सिंह जी मेवाड़, उनसे मिलने पहुँचे थे और नए महेंद्र सिंह जी मेवाड़ जिनका स्वर्गवास हो गया है, तो उनसे एक सांत्वना के रूप में भी वो यहाँ और विधायक के रूप में भी उनसे मिलने पहुँचे थे। पारिवारिक मामला है और मुझे भी इसका पूरा ज्ञान नहीं है कि लीगल इश्यूज क्या है। अब एक सेंटिमेंटल इशू आ गया था, कमी हो गई थी आपके लेट महाराणा साहब की, और जो लास्ट राइट्स जो करने के बाद में जो अपने रीति रिवाज कायदे होते हैं परिवार के अंदर, अब लीगल केसेस चल रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये दो अलग इश्यूज है, पर पारिवारिक है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा। क्या संभावना लगती है इसमें कितना वक्त हो इसके अंदर लगेगा? अब मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे डिटेल मालूम नहीं कि क्या इश्यूज हैं, क्या लीगैलिटीज़ हैं, आपस में क्या सोशल आपस का हो रहा है, ये तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आज की मुलाकात का आपका नहीं, मैं तो आप हमारे MLA हैं और भाभी साहब हमारी MP हैं हमारी पार्टी की, और आपके फादर लेट महाराण साहब की डेथ हुई है, तो मैं तो कंडोलेंस के लिए आया हूँ, खाली कंडोलेंस के आया हूँ। मैं मेरा और कोई उदयपुर आने का कोई मेरा महत्व नहीं है, सीधा आया हूँ एयरपोर्ट और यहाँ से कंडोलेंस करके मैं सीधा चेक हो गया। हमारे पारिवारिक संबंध हैं और हमारे MLA हैं, साथ जयपुर में बैठते हैं, तो मेरा शोक व्यक्त करना है। एक बात तो यही थी कि मुझे उदयपुर पैलेस में जहाँ धूनी है वहाँ जाके धूप देके वापस आना था, लेकिन वहाँ जाने का मना हुआ था, इसलिए जो लोगों में आक्रोश है क्योंकि ये जो मना हुआ है वो आप भले कानूनी दायरे से देखे, सामाजिक दायरे से देखे या रीति रिवाज के दायरे से देखे, तो सरासर गलत है। इसलिए ये बात बढ़ चढ़ के जो अभी हुआ है वो बात हुई है, और कल हम गए थे शाम को वहाँ पे, लेकिन एक तो मना भी हुआ है और फिर ऊपर से जो अंदर से जो पथराव हुआ है, लोगों को इंजरी हुई है, तो दोनों चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से कमजोरी तो प्रशासन की थी, उन्होंने जो कदम उठाने थे उन्होंने नहीं। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, आप आपकी आपने क्या मांग रखी हो? मेरी मांग तो थी दर्शन के लिए, अब वो नहीं कर पाए। अब फिर उन्होंने कहा कि हम ये रिसीवर लगाएंगे, हम पोजेशन ले लेंगे, तो वो नोटिस उन्होंने कल रात पेश की, लेकिन पोजेशन जहाँ तक मेरे नॉलेज में अभी तक उन्होंने पोजेशन नहीं लिया। अब ये इंतज़ार किस बात का है वो आप समझ सके, मैं समझ सकूँ, काफ़ी कुछ पहलू है, लेकिन अगर आप सिर्फ कल की बात करें तो मुझे वैसे परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे वहाँ जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और ये देखें, अब चैरिटेबल फाउंडेशन है वहाँ, जहाँ लोग दुनिया भर के लोग जाते हैं,
और फिर मुझे ही रोकना है, और ये क्रिमिनल ट्रेस पास के जो नोटिस वोटिस आ रहे हैं वो घर तो पूछते नहीं, घर है म्यूजियम, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, और ये क्रिमिनल ट्रेस पास उन्होंने एकलिंग जी मंदिर के लिए भी लिखा है। तो ये तो बेतुकी बात है कि कोई मंदिर में ट्रेस पास करेगा, और मैं जाके एकलिंग जी मंदिर में ट्रेस पास करूँगा, या जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं वो मंदिर में ट्रेस पास करेंगे। तो मंदिर एकलिंग जी मंदिर के का प्रोग्राम तो कल के लिए है, और मुझे तो प्रशासन को कहना है कि वहाँ एकलिंग जी मंदिर में तो दर्शन आप पीसफुली करने दें, वहाँ पे कोई ऐसे झगड़े ना चल शुरू कर दें। वहाँ दिन के लिए परेशानी जो लोग मेरे साथ भी जो आ रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है कि वो रात भर वहाँ बैठे रहे, उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग जहाँ गलत बात देखते हैं वो आवाज़ उठाते हैं और कानून के दायरे में रह के उठाते हैं। और जहाँ टूरिज्म की बात है तो टूरिज्म का विषय अलग है। अब ठीक ऐसे झगड़े होंगे तो टूरिज्म इफेक्टेड तो होगा ही, तो हमें तो यही कहना है कि प्रशासन और जो ये झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि बात तो साधारण थी, हम जाके दोग दे के वापस आ गए, इसी छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया, तो ये बात तो उन्हीं से पूछनी। वहाँ धुंध की तो माता क्षेत्र के दर्शन वासी करने हैं। आप कब जा रहे हैं? अब ये था कि वो पहले तो आप कलेक्टर के पीछे पड़िए कि जो कल वो नोटिस पेश किया वो इंतज़ार किस बात का, आप जाके आप एक्शन लो जल्दी और पोजेशन लो। एक बार सरकार के हाथ में पोजेशन है तो फिर वो दर्शन भी हो सकते हैं। तो हो रही है, जैसे कोशिश तो है कि जहाँ जहाँ पे भी जो ये लॉफुल चीज़ हो और लॉफुल चीज़ करवाए सके वो बात तो जैसे जितने भी हो रही है हो सकती है। अभी आपने सही बात की, जो सुबह का कार्यक्रम था वो बहुत खुशी का प्रोग्राम था, हम सब साथ लोग के साथ बैठ के और सब साथ से हमने खुशी मनाई है। और जो शाम का प्रोग्राम हो वो तो सबके जो भावना है उनको, इट्स हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एवरीबडी। और ये ऐसे ही प्रचार न्यूज़ में आ रहा है कि ऐसे उदयपुर में ऐसे पथराव हो रहा है और ऐसी घटना हो रही है कि दर्शन भी नहीं पॉसिबल है, तो है तो दुखद ही बात। असमंजस की स्थिति में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, असमंजस हमारी तरफ से कहीं था ही नहीं ना है। जो पिछले 1500 वर्ष की बापा रावल के समय से चली आ रही मेवाड़ की परंपरा है, हम तो उसका निर्वहन कर रहे हैं। जब मेवाड़ की राजगद्दी पे तो एकलिंगनाथ विराजमान है, उनके दीवान की गद्दी पर जो इस राजवंश का बड़ा पुत्र होता है, जो महाराणा है उनके देहावसान के बाद, वो विराजित होते हैं। पूरा देश इस बात का गवाह है, पूरी दुनिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गवाह है कि कल एक ऐतिहासिक गद्दी नशीनी का समारोह चित्तौड़ दुर्ग पर 493 वर्ष बाद महाराणा विक्रमादित्य के बाद मनाया गया। देश के कोने कोने से 36 कौम, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय उनकी सीमाओं को लांघ करके और दर्जनों की तादाद में बड़े बड़े राष्ट्र संत पधारे। हमारे 16 के सभी उमराव, 3200 के उमराव, हजारों की तादाद में क्षत्रिय समाज के भी लोग सब पधारे और एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। उसके पश्चात उसका जो क्रम है, उस क्रम में हमारी व्यवस्था है। जब महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर जैसा शहर बसाया, जिस जगह राजमहल बना हुआ है वहां पर एक संत निवास करते थे, उन्होंने राणा जी को आदेश दिया कि आप यहाँ पर महल का निर्माण करें, हम धूणी कहीं और रमा लेंगे। उस धूणी के दर्शनों की एक परंपरा रही है कि एकलिंगनाथ के दर्शन के पहले उस धूणी के दर्शन होते हैं। जब हमने प्रशासन को इस बात से अवगत कराया, उन्होंने कहा कि आप सीमित संख्या में आ सकते हैं। हमने बड़ा संयम रखा, धैर्य रखा कि आज राष्ट्र के लिए एक इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा एक काम, शुभ काम हुआ है, वो उसके हिसाब से हमने उसमें धैर्य रखते हुए उनकी बात को मान के अब जब सीमित संख्या में गए, उन्होंने हमको 4 घंटे तक लटका के रखा और किसी भी तरह से दर्शन का हमको करने का मौका नहीं मिला। आक्रोश है पूरे मेवाड़ में, हम सब इंतजार कर रहे हैं प्रशासन उचित कार्रवाई करे, हम हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक रस्म को पूरा करें, राष्ट्र उन्नति करे, हम सब साथ मिलकर के इस सनातन और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।